नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत है एक बार फिर से आपका चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के 2021 पेपर के एनालिसिस का। परंतु इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा। पिछली वीडियो में आपने काफ़ी सपोर्ट दिखाया, मतलब काफ़ी, आई थिंक 12 सब्सक्राइबर्स हैं फिलहाल, 12 या 13 सब्सक्राइबर्स हैं उस चैनल पर और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी चीज़ों का। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतनी एक्टिवली आप लोग देखेंगे और कमेंट करेंगे, और काफ़ी लोगों ने पर्सनली भी आके, मतलब जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरे कॉन्टैक्ट में, उन्होंने कॉन्टैक्ट में ही आके कहा कि मतलब ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चेंजेस आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे रिकमेंडेशंस का। मैंने काफ़ी उन चीज़ों को ध्यान में रखा और मैंने चेंज किया है सेटअप का। मैं तो चाहूँगा कि आप लोग इस पर ही बताएं कि कैसी थी, अपनी टिप्पणी दें, ताकि मैं उसे ध्यान में रख सकूँ और बताऊँ कि हाँ, मतलब आप बताएं कि कैसा है और मैं और क्या चेंजेस आ सकता हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है एक दिन हमारा चैनल ये सक्सेसफुल होगा। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, मतलब काफ़ी प्राउड फील करते जब एक बहुत मिनिमम बेयर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से वो लोग सब्सक्राइब किए रहते और काफ़ी आगे जाते चैनल, तो वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। तो आई गेस यू वुड ऑल्सो बी वेरी हैप्पी। तो बस अपना सपोर्ट दिखाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद पिछले वीडियो के सपोर्ट के लिए। इस वीडियो को हम तीन हिस्सों में रखने वाले हैं। पहला तो जो नीट 2021 का पेपर है उसकी डिफिकल्टी लेवल पे बात करेंगे कि किस लेवल की डिफिकल्टी थी, दूसरा कि क्या कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन था इस पेपर में, और तीसरा वो होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैंने काफ़ी सारे साइट्स पे जाके देखा था, काफ़ी सारे साइट्स पे मैंने देखा, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 20-25 साइट्स को विजिट किया हुआ, और उन सारे साइट्स पे जाके मैंने देखा बहुत एक्सट्रीम वेरिएशंस थे, मतलब बहुत एक्सट्रीम्स थे। कहीं मतलब कुछ ज़्यादा ही ये लोग ऑप्टिमिस्टिक थे कि बहुत गंदे मार्क्स में भी अच्छी रैंकिंग आई थी, और कहीं मतलब पेसिमिस्टिक थे, कुछ ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स में भी गंदी रैंकिंग देते थे। तो उन सारे मतलब मैंने 20-25 साइट्स को विजिट किया, उसके बाद मैंने एक अप्रोप्रिएट साइट देखा, मुझे लगा कि वो ये सबसे रिलायबल सोर्स है रैंकिंग के लिए। तो मैं सोचा कि मैं उसको उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, उसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और आई थिंक वो इंडियन एक्सप्रेस का है, इंडियन एक्सप्रेस का एक कॉलम है जिसमें मैंने उसको देखा और मैं डाला, क्योंकि आई फाउंड इट मोस्ट रिलायबल। द रिलायबल आई मीन द क्राइटेरिया विच आई हैड चोजन वाज कि कौन सा है जो बेस्ट तरीके से काम कर सकता है, मतलब जो अगर कोई साइट मैंने इतने सारे देखे हैं 20-25 साइट्स, किस साइट के आसपास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिवॉल्व करती है, ठीक है, कौन सा साइट, मतलब जो काफी सारे साइट्स में मतलब बेस्ट कौन सा है जो कि इन्फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रखते हैं, ज्यादा वेरी नहीं करवाते। तो उस हिसाब से मैंने इसको चूज किया है, मैं आपको साइट दे दूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो और भी साइट्स पे देख सकते हैं। तो इतनी सी रहने वाली बात है। पहले हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। काफी लोग कहते थे कि ये जो पेपर था ये 2018 के लेवल का था, तो टू बी फ्रैंक एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं था। 2018 का पेपर वॉज मच मोर डिफिकल्ट। आप पूछेंगे कैसे, बिकॉज 2018 का पेपर, मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे तो हम बाद में बात करेंगे, यहाँ तक कि बायो भी काफ़ी आउट ऑफ एनसीईआरटी चल रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप सेक्शन बी के पेपर, सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हटा दो, क्योंकि मैंने फिलहाल उसमें सिलेबस का चेक नहीं डाला था, सेक्शन ए के जितने भी बायो के क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसमें 70 होंगे, उसमें आई थिंक सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे जो कि जूलॉजी के पार्ट के थे, जो मुझे लगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी। मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं अपना पेपर साथ में लेके बैठा हूँ, मेरा है M6 कोड, और मतलब मैंने, अगर आप है तो आप चेक कर लो, मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा तो आप अपने पेपर के साथ देख सकते हो उसको। जैसे जूलॉजी का क्वेश्चन नंबर 158, अगर आपको बताऊँ, रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। अब रिसेप्टर्स लाइक एग्जैक्टली इन चीज़ें नहीं दी हुई हैं, पर फिर भी जोना पेल्यूसीडा वॉज लाइक वट आई थॉट मस्ट बी राइट, मैंने पढ़ा भी था उसको कहीं, तो मैंने उसको मार्क किया है। पर ये अगर आप चाहो तो कह सकते हो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी था कुछ हद तक। एंड द अदर क्वेश्चन विच वॉज 174th क्वेश्चन, 174th क्वेश्चन कह रहा था वायरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, और उसके ऑप्शन थे यूजिंग स्टेरिलाइज़ेशन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग या इनहेरिटेंस, एंड चूज द करेक्ट आंसर। मैंने मार्क किया था बी एंड सी, एंड आई गेस दैट्स राइट। तो इसमें कुछ हद तक डाउट किसिंग का हो सकता है, क्योंकि काफी लोगों को लगे कि HIV विच इज यू नो ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लडी फ्लूइड्स, इट कैन पास थ्रू बाय किसिंग। पर फिर मैंने देखा कि मतलब, पर मैंने फिर बहुत सोचा, मैं सोचा कि सिर्फ HIV ही तो नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि भाई नहीं होनी चाहिए, और मैंने बी एंड सी मार्क किया था, दैट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन एंड इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। बाकी मुझे लगा कि यही होना चाहिए, काफ़ी सारे साइट्स पे यही दे रहा है, मैंने अभी तक कोई भी ऐसा साइट नहीं देखा जो इसके अलावा कोई विपरीत आंसर देता है या फिर कोई दूसरा आंसर दे रहा है। बी एन सी ही मैंने ज़्यादातर ऑप्शंस पे देखा है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप अगर यही दोनों क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे सेक्शन ए के, या फिर कोई और भी था, और सेक्शन बी में अगर आपको कोई लग रहा आउट ऑफ एनसीईआरटी तो उसको मेंशन करना, मैं एक बार चेक करके अगर हो सके तो पार्ट टू बना दूंगा कि यही क्वेश्चन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी थे सेक्शन बी के। तो ये हो गया जूलॉजी का। बट फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैं बात करूँ 2018 के पेपर की,
2018 का पेपर फिजिक्स स्पेशली काफ़ी बढ़िया था, न्यूमेरिकल्स उसमें एक नंबर थे, मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने बनाया हुआ है 2018 का पेपर, ऑलमोस्ट लास्ट टाइम पे हम काफ़ी सारे पेपर्स बना रहे थे, तो 2018 का पेपर लाइक लिटरली फिजिक्स वॉज डैम गुड, बहुत बढ़िया लगा था मुझे फिजिक्स बना के। उसके अलावा केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे लेवल का था, और मतलब इन्होंने थ्योरी पे केमिस्ट्री पे ध्यान दिया था, फिजिक्स में उतना थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया था 2018 में, बट 2021 के पेपर में फिजिक्स काफ़ी हद तक थियोरेटिकल था, ठीक है, पर इसलिए और केमिस्ट्री की डिफिकल्टी और फिजिक्स की डिफिकल्टी कंपैरेटिव 2018 की ज़्यादा थी, ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि 2018 के पेपर पे या फिर आप उसकी रैंकिंग पे डायरेक्टली रिलाई मत कीजिए कि इसी के हिसाब से आने वाली है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था 2018, ठीक है, और मैं उसकी रैंकिंग की बात करूँगा अभी इसी वीडियो में कंटिन्यूशन में डाल दूंगा कि कौन से मतलब इसी में रहेगा वीडियो में, मैं कुछ साइट्स देख के आपको बता दूंगा कि कौन से यू नो जो कौन से ईयर में हाईएस्ट मार्क्स कितना गया हुआ है टॉपर का, वैसे तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है यार वीडियो बनाया तो बता दूंगा आपको। मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ फिजिक्स के जो मुझे लग रहे हैं एम्बिगुअस हैं, जो कि काफ़ी बताना चाहिए था बट मुझे लगा कि ठीक है कोई नहीं मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 4 था, M6 है मेरा, मैं कोर्ट बता दूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ड्यू टू द केबल विद द डिफरेंट विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज रिप्रेजेंटेड बाई, चार ग्राफ दिए हुए हैं। एक थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इन्होंने एक मतलब पहले एक स्ट्रेट लाइन और फिर एक हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन्होंने सेंटर पे एक जगह स्ट्रेट लाइन लिया है, वहां से इन्होंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शुरुआत किया है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जहां इन्होंने स्ट्रेट लाइन बनाया वो डॉटेड लाइन है वहां जो रिप्रेजेंट करें, वहां इनको बताना चाहिए था कि वो रेडियस है या नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि उन्होंने रेडियस रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया, तो ये मुझे पहला डाउट आया था जो कि था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 जो अगला है कि द पोटेंशियल मीटर सर्किट ऑफ अ सेल इज EMF 1.5 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, if another balance of if another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? काफ़ी लोगों ने इसका 60 मारा है, मैंने दो तीन साइट्स पर आई थिंक इसका 21.6 भी देखा है, और उन्होंने जो कहा वो कहा कि बैलेंस पॉइंट का मतलब आप क्या समझते हो, बैलेंस पॉइंट दो चीज़ें हो सकती है, एक तो हो सकता है कि भाई आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शन ले लो कि जितना ज़्यादा EMF उतना ज़्यादा लेंगे, या आप ऐसे लो कि 1.5 जब इतने लेंथ पे है उतना ही अगर आपको वोल्टेज डिफरेंस चाहिए तो ये 2.5 वोल्ट के लिए कितना लेंथ रखना पड़ेगा, अब बोथ ऑफ देम कैन बी राइट वी नेवर नो, बट ये क्वेश्चन था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अ वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास एम एंड डेंसिटी डी व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज डी बाई टू देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, ज्यादातर साइट्स पे इन्होंने एम जी बाई टू लिखा आंसर पे, पर मैंने दो तीन साइट्स पे एम जी भी देखा है, एंड द रीजन दे सेड वाज कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये अल्टीमेटली मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है नहीं पहुंचता, बट इन्होंने क्वेश्चन में यूज किया है कि बिकम्स कॉन्स्टेंट ऑफ सम टाइम, हो सकता है ये उस टाइम भी बने जब आपने डेंसिटी हाफ कर दिया, तो इसलिए हम उस टाइम आप एम जी ही मान सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी को, क्योंकि अंटिल अनलेस द सॉरी आप एम जी ही मान सकते हो द लास्ट जो फोर्स ये पूछ रहे हैं इफ डेंसिटी देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग, आप एम जी ही मानोगे क्योंकि अंटिल अनलेस द फोर्स बिकम्स इक्वल आप यू कैनॉट हैव अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो कीपिंग दैट फैक्ट इन माइंड उन्होंने ऐसा कहा है, आई डोंट नो कि व्हाट मस्ट बी द आंसर, मैंने एम जी मार्क किया है एंड आई डोंट नो वो गलत भी हो सकता है, मैंने कुछ कम ही बहुत कम साइज पे देखा है एम जी आंसर दिया। द अदर वन इज 15th क्वेश्चन, डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, एक डायपोल का फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, काफी सारे साइड्स पे उन्होंने सेकंड ऑप्शन आंसर दिया टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, सॉरी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, ऐसा इन्होंने आंसर दिया हुआ है 15th का, बट काफी सारे साइड्स पे कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, तो आप चेक कर सकते हो उसका क्या है, मुझे ये कॉन्ट्रोवर्शियल लगा तो मैंने बता दिया आपको। द लास्ट क्वेश्चन इज 25th क्वेश्चन जो मुझे लगा, कॉन्वेक्स लेंस ये आपको ज्यादातर साइड्स पे सेम आंसर मिलेगा, मेरे हिसाब से इसके दो आंसर होने चाहिए, convex lens A of focal length 20 cm and a concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeters will be. और इन्होंने आंसर में 15 दिया हुआ है, हम सिंपल है 20 ले लेंगे और उसके फोकल तो डाल देंगे कॉन्केव पे, पर सवाल ये है कि अगर आप फोकल लेंथ आप दो तरीके से आंसर ले सकते हो, एक ले सकते हो कि इसके जो दो सर्फेस का एक वाला लेंस का सर्फेस अगर इसके फोकस पे आ जाए तो भी आ सकते हैं, यानी 20 प्लस 5 के नॉर्स भी द आंसर दैट इज 25, दो आप मार्क 15 बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि मुझे लगता है कि 25 भी हो सकता है आंसर, कहीं भी मुझे ऐसा आंसर नहीं दिखा, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताएं अगर मैं गलत हूँ यहाँ पे, बट दैट्स वॉट आई फील, ठीक है, दैट्स वॉट दैट वॉज ऑल अबाउट द फिजिक्स पार्ट। केमिस्ट्री मुझे एक ही क्वेश्चन एम्बिगुअस लगा है जो मैंने बताया था, काफी लोगों से डिस्कस किया, उन्होंने भी कहा कि आपने बहुत अजीब क्वेश्चन था नहीं पूछना चाहिए था। The question was कि a particular station of AIR New Delhi broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. आप इसमें देखोगे NCRT में इसको विविध भारती कहते हैं, विविध भारती। The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is, well, the wavelength must be 219.3 is what is given most of the sites. किसी ने भी 219.2 नहीं दिया, but I have a strong reason कि जब तक इन्होंने approximation की बातें नहीं की है, मैं approximate करूँ ही क्यों?
मुझे तो द मोमेंट पॉइंट के बाद 2 मिल जाएगा मैं उसको वहीं रोक दूंगा कैलकुलेशन को, आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा कि 5 से बड़ा आ रहा कि नहीं आ रहा ताकि मैं उसको 3 करूँ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, पापा भी कहते हैं इस पर चैलेंज करेंगे, लेट्स सी व्हाट कैन बी द आंसर फॉर दिस, चैलेंज तो जरूर करें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक लास्ट पार्ट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। वेल मैंने जैसा बताया 2018 के हिसाब से कट ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ हद तक ये पेपर आसान था 2018 का बैठे, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो उसका मतलब अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स इसी हिसाब से हैं तो आप डायरेक्टली टैली करके नहीं देख सकते कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आई डोंट थिंक दैट वुड बी रिलायबल, ठीक है। तो मैं आपको कुछ साइट्स जो मैं आपके सामने चेक करूंगा मैं बता देता हूँ कि साइट्स में मतलब मैं आपको मैक्सिमम मार्किंग बता देता हूँ और फिर मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंकिंग भी बता सकता हूँ। आप चाहें तो देख सकते हो कि जैसा मैंने बताया 20-25 साइट्स आई हैव रेफर्ड एंड आई केम टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट, जो कि मुझे लगा कि यार बेस्ट है, इन्होंने सबसे मतलब अनबायस तरीके से लिखा है, तो मैं सोचा कि ठीक है ऐसे इसका मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। द साइट इज इंडियन एक्सप्रेस, दैट वुड बी प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो कि मैं जो कह रहा हूँ सही है। मैं आपको बता दूँ कि मैंने किस बेसिस पे कहा कि मतलब पहले मैं आपको बता दूँ कि हाईएस्ट मार्किंग कौन से साल में क्या कही हुई है। 2018 का आप देखोगे, 2020 का देख लो, ऑल इंडिया रैंकिंग 1 के 2 बच्चे थे अगर आपको याद हो, आई थिंक मुझे अभी नाम भी याद है, एक शोएब आफ्ताब थे और एक थी आकांक्षा सिंह, ठीक है, AIR 1 होना चाहिए दोनों का। इस साल ऐसा हो जाता अगर सेम मार्क्स आएगा तो, पर उस साल ऐसा नहीं था, दोनों के सेकंड रैंकिंग मिली थी आउट ऑफ सम क्राइटेरिया जो उन्होंने डिफाइन किया था। 715 पे 4 बंदे थे, ठीक है, मतलब 3, 4, 5, 6 वो द रैंकिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। उसके अलावा मतलब ये थी, तो हाईएस्ट रैंकिंग मतलब हाईएस्ट मार्क्स 720 पे गया हुआ था, ठीक है। अगला हम देखें 2018 का AIR 1 का जो था, आपको देखेगा AIR 1 का 691 मार्क्स था। आई स्टिल रिमेंबर द गर्ल वॉज आई रिमेंबर हर फेस, पर मैं हल्का हल्का उनका मतलब नाम भूल रहा हूँ, वो बिहार की थी इसलिए मुझे अच्छे से याद है। तो उनका भी मतलब उनकी 691 मार्किंग थी, 2018 की बात है, तो आप देखो यार हाईएस्ट 691 गया हुआ, पर मेरे ही कितने दोस्त वगैरह जो ने बताया कि हमारे सेंटर में हो सकता है मार्किंग 700 से ज़्यादा आ रही हो, तो इसलिए आप जाके रिलाई मत करो 2018 के उस पर, वो ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था, ठीक है। और द लास्ट वन आई गेस इट्स 2017 AIR 1 का 697 मार्क्स था 2017 में, तो आप देख लो अब आपको किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं करना, ठीक है। अब लास्टली आपको बता दूं कि क्या होगी एक्सपेक्टेड AIR आपके मार्किंग के हिसाब से। मैंने इंडियन एक्सप्रेस देखा है, मैं उसका वो डाल दूंगा, 691 टू 720 इन्होंने फर्स्ट रैंकिंग कही है, 681 टू 690 20 टू 80 होगी, 671 टू 680 80 टू 200, 661 टू 670 200 टू 450, 651 टू 660 इज 450 टू 950 AIR, 641 टू, मैं यहाँ पे मार्किंग कह रहा हूँ, पहले जो मैंने कहा ये मार्किंग है, ठीक है, 651 टू 660 मार्क्स 450 टू 950 रैंकिंग, 641 टू 650 यू हैव 950 टू 1700 रैंकिंग, 631 टू 640 यू हैव 1700 टू 2500 रैंकिंग एंड लाइकवाइज। यू कैन जस्ट गो थ्रू, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा समय में बात कराऊँ उस पर, आप देख लीजिएगा कि इसमें आपको मतलब रैंकिंग का क्या हो सकता है। और मैं बता दूं कि आप इस पर समय मत बर्बाद कीजिएगा कि और साइट्स क्या कहती हैं, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च के बाद इस साइट को रिकमेंड किया है, ठीक है, और ऑब्वियसली मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स वगैरह तो है नहीं कि कोई साइट मुझे आके वो करेगा, तो यू कैन कंप्लीटली रिलाय ऑन मी, ठीक है। तो ये बातें थी बस फिलहाल के लिए, बाकी अगर लास्ट पार्ट जो मैं कहना चाहूँगा ये कि अगर आप एक ड्रॉप का सोच रहे हैं, ठीक है, कि शैल आई टेक अ ड्रॉप और नॉट, तो कौन से मार्क्स पे ड्रॉप लेना चाहिए। देखिए ड्रॉप का जहाँ तक मैंने अभी देखी है रैंकिंग, आई गेस कि जैसे मैंने आपको बताया अभी भैया ना, देखो इस साल का मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहाँ तक जाना चाहिए, तो 550 के आसपास आप देखोगे, 541 to 550, 19,000 to 23,000 आपका AIR होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा पे फाइट करते हो, ठीक है, अबव 500 तक आपके चांसेस हैं, 37,000 से 44,000 तक आपको सीट्स मिलती हैं, उसके ऊपर तक या ऑल इंडिया कोटा पे आपको कम ही वो मिलेंगी। अब स्टेट वाइज क्या होता है वो आप डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जिस स्टेट में फिलहाल कर्नाटका में हूँ वहाँ आपको दिखेगा कि बहुत हाई मतलब वो चलती है, कट ऑफ जाता है, सॉरी बहुत लो कट ऑफ जाता है, क्योंकि कर्नाटका के पास सीट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कर्नाटक के पास 25% ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल सीट्स हैं, तो कर्नाटका में मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो आपको स्टेट कोटा पे काफ़ी रिडक्शन दिखता है, मतलब रैंकिंग पे तो आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस के चांसेस हैं, तो आप अपने स्टेट का देख लो कि कहाँ तक जाता है, पर अबव 501 तक अगर आपके आ रहे हो तो आप फिर भी थोड़ा चांस लो, क्योंकि मैं जानता हूँ अक्टूबर 1 तक के लिए सारे काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स अपनी क्लासेस शुरू कर देते हैं, ओके आप पढ़े हुए वैसे भी 6 मंथ्स की बात है खुद से कर लोगे, ठीक है, पर फिलहाल आप रिस्क मत लो, आप देख लो एक बार, बट स्टिल आप चाहते हो मुझे प्रीमियर कॉलेज ही मिले, देन आई वुड आस्क यू टू टेक अ ड्रॉप, अभी से शुरू हो जाओ, ठीक है, कौन सा लेना है अगर आप चाहते हो तो मैं इसके अभी बना दूंगा वीडियो कि कौन सी बेस्ट होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और ऑफलाइन में भी कौन सी, ऑनलाइन में कौन सी, क्योंकि मैंने काफ़ी यार रिसर्च किया था अपने टाइम पे, ठीक है, तो दैट्स गोना बी ऑल। हाँ, एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपका डालना चाहूँगा इस वीडियो के, कि मैंने कहा था कि मैं एक एक्सरसाइज वीडियो डालूंगा अपनी, जो मैंने कहा था कि मैं एक्सरसाइज किया है मैंने गाँव में तो मैं उसकी वीडियो डालूंगा, पर प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने उस वीडियो को कुछ ज़्यादा ही मतलब उस टाइम मैंने टी शर्ट नहीं, मतलब मैं सिर्फ बनियान पहना हुआ था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको डालूँ या ना डालूँ। हाँ, मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं जो कि रिवर्स कैमरा पे हैं, तो वहाँ मैं गांव की सीनरीज को मैंने दिखाया, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं, इट कैन बी रिलैक्सिंग।
उसके अलावा मैंने एक, मतलब आप सभी जानते हैं, एक सिल्क कॉटन करके दिया हुआ है, बालों के बच्चे जानते होंगे सिल्क कॉटन, उसको हिंदी में सिमर कहते हैं। मैंने उसकी उसको दिखा कि एक्चुअली क्या है वो, जस्ट इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू नो दैट। तो ये होने, ये थी पूरी वीडियो इस बार की। बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।